हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम दो नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही में उसके आंसर्स को भी देखेंगे, जिसका जो सब्जेक्ट कौन सा है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसका जो कोड क्या है, BP 813 ET। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। मैंने जो जो बात यहाँ पे बताऊंगा आपको वीडियो को, वो एकदम समझ लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मुलेशन डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। देखिए, अगर आपसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें जो भी आपके फार्मुलेशन, प्री फार्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग दी हुई है, अगर उसमें से किसी का भी ऑब्जेक्टिव पूछे तो सिंपली से आपको इसमें जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ यही आपको लिख देना है और अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिजाइन क्वालिटी प्रोडक्ट, कहने मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहला जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिजाइन क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को डिजाइन करना और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको भी क्वालिटी के हिसाब से करना, टू डिलीवर द इंटेंडेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी जो डिजायरनेस हमको प्रोडक्ट के अंदर वो हमको मिल सके, ठीक है। दूसरा क्या है, टू अचीव अ प्रिडिक्टेबल थेरापोटिक रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, जो ड्रग प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका हमको प्रिडिक्टेबल, जो हमने पहले से देख रखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर पैरासीटामॉल हम जानते हैं कि बुखार उतारने के काम में आता है, फीवर को डाउन करेगा, तो ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब हमको पहले से पता है कि पैरासीटामॉल बुखार उतारेगा। तो जब हम अपना ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हो या अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो हमारा प्रिडिक्टेबल एम है कि हाँ बुखार को ये कम करेगा या वो ड्रग ये काम करेगी, वो हमको अचीव होना चाहिए, मतलब हमको प्राप्त होना चाहिए आफ्टर द कमिंग इन द मार्केट ऑफ द ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू इन्वेस्टिगेट कैपेबिलिटी ऑफ द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग विथ रिप्रोड्यूसेबल प्रोडक्ट क्वालिटी। कहने का मतलब क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करना कि जो हमारी फर्म है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो लार्ज स्केल पे उसकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो कितने अमाउंट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं और साथ में उसकी क्वालिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ या छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसोसिएटेड रिस्क। कहने का मतलब क्या है, जैसे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग या क्लिनिकल टेस्टिंग में पता कर लेते हैं कि कौन सा एडवर्स इफेक्ट आने वाला है, उसी प्रकार से इस मतलब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम करते हैं उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं जो भी आने वाले रिस्क है उनके बारे में, ठीक। टू आइडेंटिफाई मटेरियल एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेस पैरामीटर डेट अफेक्ट द ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट। कहने का मतलब क्या है, हम जितने भी मटेरियल एट्रीब्यूट, मतलब मटेरियल से होने वाले जितने भी मतलब अनवांटेड थिंग्स है, मतलब उसकी क्वालिटी में जो भी इफेक्ट पड़ेगा या प्रोसेस पैरामीटर जो भी हम यूज करेंगे उसकी वजह से आपके ड्रग क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर ये आपके साथ में आता है तो यही हेडिंग डाल करके आप एक एक को डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कोई कठिन तो है नहीं, कमेंट करके बताओ तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, मतलब एक ड्रग डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज कौन होता है, लीड आइडेंटिफिकेशन। लीड का मतलब क्या होता है, लीड कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोला जाता है लीड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसको खोजेंगे, देन उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब क्या है, जैसे आपने यूनिट फिफ्थ में पढ़ा होगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, वहां पर ढेर सारी आपने टेक्निक देखी होगी। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में डिटेलिंग आउट करना कि उसका क्या इफेक्ट होगा, आगे चल के चलेगा, मतलब इसकी आवश्यकता है या नहीं, ETC। जब हमारा लीड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो स्टेज आएगा वो आएगा प्री क्लिनिकल स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं एनिमल के ऊपर भी ड्रग की टेस्टिंग करते हैं। देन आएगा क्लिनिकल स्टडी जिसमें फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड ट्रायल करते हैं, देन उसको फेज फोर्थ में हम मार्केट सर्विलांस के ऊपर रखते हैं। तो ये हमारे कुछ है क्या, स्टेज ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट। अगर इसको आपके डिटेल में पूछता है तो हर एक चीज को आप स्प्लेन आउट कर सकते हैं, कर ही लेंगे। लीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल एक्टिव सब्सटेंसेस है उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन उसको ऑप्टिमाइजेशन करना है, टेक्निक करना है, उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टडी करनी है, देन क्लिनिकल स्टडी। आप इसको पढ़ ही चुके हैं कि एनिमल टेस्टिंग, ह्यूमन ट्रायल टेस्टिंग, कितने लोग होते हैं, कितने नहीं होते। अगर आपसे लॉन्ग में 7 नंबर पूछता है तब भी आप इसको लिख सकेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द IPQC, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सा पहला टर्म समझो, इन प्रोसेस, मतलब जब हम किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई भी सामान हम बना रहे हैं तो उसको जो बनाने के समय पे जो उसकी क्वालिटी है, जो उसमें एक्सीपिएंट यूज, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करना है, क्या कहलाता है, IPQC कराया जाता है, ठीक है। तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल विच इज प्लांड सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेड टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, इक्विपमेंट, प्रोसेसेस एंड ऑपरेटर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट या प्रोसेसेस। सिंपल सा जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, इट परफॉर्म्ड एट द रेगुलर इंटरवल। कहने का मतलब
करके ये रेगुलर इंटरवल पर परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि हमको कोई भी डिफेक्ट ना देखने को मिले हमारे प्रोडक्ट के अंदर ड्यूरिंग ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान में हम इसको रेगुलर इंटरवल पर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द आइडियल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टली कंप्रेसिबल मटेरियल, मतलब जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल मटेरियल होते हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। पहला क्या है, कौन कौन से डायरेक्ट कंप्रेसिबल मटेरियल है, जितने भी आपके एक्सीपिएंट्स हैं जो कि नॉर्मल, मतलब चाहे वो एनडीडीएस की ड्रग हो चाहे वो आपकी नॉर्मल ड्रग हो, उनको हम डायरेक्ट कंप्रेसिबल मटेरियल कहेंगे, ठीक है ना, जो कि सॉलिड में यूज की जाती हो, जैसे डाइल्यूएंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट फिल्टर हो गया, बाइंडर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या है, डायरेक्ट कंप्रेसिबल मटेरियल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो डायरेक्ट कंप्रेसिबल मटेरियल होना चाहिए वो किसी भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा, तो उसमें किसी प्रकार की फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। एंड शुड बी स्टेबल टू ईयर, कहने का मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं कि आप उसको ईयर में एक्सपोज कर दें तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाए, वो ईयर में स्टेबल होना चाहिए, साथ साथ में मॉइस्चर एंड हीट को भी रजिस्ट करना चाहिए। डायरेक्टली कंप्रेसिबल जो हमारे एडजेसेंट होते हैं या मटेरियल होते हैं, शुड हैव पार्टिकल साइज इक्विवेलेंट टू एक्टिव इंग्रेडिएंट, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका जितना साइज है उतना ही साइज हमारा जो डायरेक्ट कंप्रेसिबल मटेरियल है उनका होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया व्हिच प्रेजेंट इन द फार्मुलेशन, जो कि फार्मुलेशन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, सफिशियंट फ्लोबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जो इनकी फ्लोबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी है वो सफिशियंट होना चाहिए। कंट्रोलिंग प्लास्टिसिटी एंड ब्रिटलनेस, जो इसकी प्लास्टिसिटी मतलब स्टिकीनेस हो जाता है, मतलब कहने का मतलब जो कड़ापन होता है वो हो जाता है, वो भी उसको कंट्रोल किया जा सके, ऐसा उसका फार्मुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ब्रैकेटिंग एंड मैट्री मैक्सिजिंग मिक्सिंग, कहने का मतलब क्या है, ब्रैकेटिंग क्या है और मैट्री मिक्सिंग क्या होता है। देखिए सिंपल सा अगर हम आपको एक जनरल टर्म में इसको समझाना चाहें तो ब्रैकेटिंग का मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर सारे मटेरियल प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में जाल होते हैं, तो हर एक जाल में अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से मैट्रिक्सिंग और ब्रैकेटिंग का कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो ब्रैकेटिंग क्या है, ब्रैकेटिंग इज डिफाइंड एज द डिजाइन ऑफ ए स्टेबिलिटी शेड्यूल, कहते मतलब एक ICH की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये एक स्टेबिलिटी शेड्यूल है, सच दैट ओनली सैंपल ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द सर्टन डिजाइन फैक्टर, कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो सैंपल होगा केवल वही सर्टन डिजाइन उसका जो फैक्टर होगा वही फिट करेगा। जैसे देखिए ब्रैकेटिंग में अगर आप एक ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, अगर आप एक ऐसे ब्रैकेट तो इसमें आप केवल एक ही प्रोडक्ट तो रखेंगे, तो वही केवल सैंपल का होता है, जिसमें आपके क्या स्ट्रेंथ हो गई, जो पार्टिकल साइज हो गई, ये सारी चीज़ें हम टेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर मैट्री मैक्सिंग के बारे में बात करें तो मैट्री मैक्सिंग क्या होता है, एक जाल टाइप का हो जाता है, जाल टाइप का मतलब कि उसके अंदर कई सारे खाने हो जाएंगे, खाने होने का मतलब क्या, जैसे ये है, ये हमारा ब्रैकेट है, लेकिन अब इसके अंदर हमने मैट्रिक्स बना दिया, ऐसे ऐसे मैट्रिक्स बना दिया, तो ये क्या जाएगा, ये हमारा मैट्री मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, न केवल सैंपल, जो भी उसके जो भी हमारे एक्सिपिएंट यूज हो रहे हैं उन सबकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह या उनकी जो स्टेबिलिटी शेड्यूल हो उसको डिजाइन कर सकेंगे। तो यही क्या है, हमारा ब्रैकेटिंग एंड मैट्री मिक्सिंग है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेम दी वेरियस हाइड्रोकार्बन बेसिस यूज इन द टॉपिकल फार्मुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कहने का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के बेसिस के नाम लिखने हैं जो कि टॉपिकल फॉर्मुलेशन में यूज हो जाता है, उसके एप्लीकेशन के बारे में बताना। तो क्या है, पहला पेट्रोलेटम है जिसका जो एप्लीकेशन क्या है, एमोलिएंट के तरीके से, मतलब चिकनापन काम करता है। उसके नेक्स्ट क्या है, वैक्स है, वैक्स क्या करता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग के साथ में, मतलब दोनों को मिक्सचर करवाता है। सिंथेटिक ईस्टर जैसे ग्लिसरॉल, मोनोस्टेट हो गया, ये क्या करता है, ग्रीसी देता है, मतलब ग्रीसी फेट, मतलब लुब्रिकेंट के तरीके से काम करता है। अदर्स में जैसे लार्ड हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, व्हाइट ऑइंटमेंट हो गया, सिलिकॉन बेसिस हो गए, ये सारे क्या काम करते हैं, हमारे लुब्रिकेंट एंड इमुलेंट के तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइक्लोडेक्सिन एंड देयर एप्लीकेशन, देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि आपका 7 नंबर में पूछा जा सकता है। साइक्लोडेक्सिन क्या है, तो साइक्लोडेक्सिन आर दी ओलिगोसैकेराइड यूज्ड एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा साइक्लोडेक्सिन होता है वो हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है, उसका यूज क्या करते हैं, यूज एज अ मतलब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट टू इनक्रीज द एक्वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस, कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उनकी एक्वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए जिस एक्सीपिएंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोडेक्सिन, जो क्या करती है, अगर उसकी मतलब अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसकी जो सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है तो उसकी सिंपल सी बायोबिलिटी कम होगी क्योंकि वो प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी और बायोबिलिटी हमको देखने को अच्छे तरीके से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो वाटर सॉल्युबल ज्यादा है तो वो हमारी क्या जाएगी, इंटेस्टाइन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसकी जो बायोबिलिटी आपको देखने को मिलेगी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इसीलिए कहा गया कि ऐसी ड्रग जो कि पोअरली वाटर सॉल्युबल है साइक्लोडेक्सिन के माध्यम से उसको हम हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग बनाते हैं जिसकी वजह से जो उसकी एफिकेसी जो बायोबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है।
इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो पहला क्या है, इंक्रीज द एक्वा सॉलिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, एक्वा सॉलिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो भी इंड्यूज हो जाती है, बढ़ जाती है। इनहेंस केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है, जो हमारा एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है, जैसे उसमें केमिकल रिएक्शंस हो, जैसे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, ईटीसी होते हैं, तो उसको भी ये प्रिवेंट करती है, उसको भी इनहेंस कर देती है उसकी स्टेबिलिटी को, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग की सेल्फ लाइफ होती है और जो सॉल स्टेबिलिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है और बनी रहती है, ठीक है ना। एंड आल्सो यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। मतलब नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप्स के हैं, तो ये चार टाइप के हैं। पहला क्या है, फैटी एल्कोहल, जिसमें आपका सिटाइल एल्कोहल, स्टेराइल एल्कोहल एंड सीटो स्टेराइल होता है। सेकेंड क्या है, ईथर। थर्ड क्या है, ईस्टर। फोर्थ क्या है, ब्लॉक कोप्लोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ईथर में हमारे क्या होता है, लॉरेंस ग्लूकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, नैनोजाइनोल 9 होते हैं एंड डिकाइल ग्लूकोसाइड्स होते हैं। ईस्टर में कौन कौन से होते हैं, ग्लिसरॉल ग्लिसराइल लॉरेट होते हैं, पॉलीसॉर्बेट होते हैं, स्पैन 80 होते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक कॉप्लोमर्स में आपके पोलोजेमर्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ एक्सिपिएंट यूज इन द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। मतलब यहाँ पर आपको केवल दो एग्जांपल ऐसे बताने हैं जो कि आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो दो ही नहीं, मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे पांच भी पूछता है तब भी आप लिख जाए, और अगर आपसे सिंपल पूछता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एक्सिपिएंट यूज इन द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, तब भी आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाए। तो पहला क्या है, ऑइंटमेंट बेस है, जिसका काम क्या होता है, इम्यूलेंट प्रोटेक्टिव करना। सेकंड क्या है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है लंबे समय तक बनाए रखता है। थर्ड क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन से उसको प्रिवेंट करता है। चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है। ह्यूमेटेड क्या करता है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट के तरीके से काम करता है, मॉइस्चराइज करता है। और परफ्यूम क्या करता है कि हमको एक सुगंध देता है, मतलब हमको क्या करना है, उसकी जो स्मेलिंग होती है वो काफी अच्छी कर देता है, ठीक है, कौन, ह्यूमेट परफ्यूम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिफाइन क्यूबीडी, मतलब क्वालिटी बाय डिजाइन को आपको डिफाइन करना है। तो क्यूबीडी इज एन अप्रोच दैट, जिसका जो एम क्या होता है, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब क्या है, जो मेडिसिन की क्वालिटी है, बाय अप्लाइंग स्टेटिस्टिकल एनालिटिकल एंड रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी इन डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मेडिसिन है, उसकी डिजाइन करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसमें स्टेटिस्टिकल एनालिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना और उसकी क्वालिटी को एंश्योर करना इज कॉल्ड क्यूबीडी। तो क्यूबीडी एश्योर्ड प्री सिस्टमेटिक डिजाइन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि क्वालिटी बाय डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो प्रोसेस है, जो आप मतलब प्रोसीजर है, वो अच्छे से डिजाइन होगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस स्टेप पे क्या करना है। तो जब आप वही स्टेप फॉलो करेंगे, वही गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्वालिटेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सिपिएंट यूज द एनडीडीएस, मतलब एनडीडीएस मतलब नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज होते हैं। तो ये तो मैंने आपको सेवन सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कौन कौन से, तो बहुत सारे एक्सिपिएंट्स हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए, जैसे बफर कैपेसिटी, बफरिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, जैसे सिट्रेट बफर हो गया, ऑस्मोलिटी एजेंट हो गया, जैसे सोडियम एसिड फॉस्फेटेज हो गया, विस्कोसिटीफाइंग एजेंट जैसे सेल्यूलोज हो गया, सोलिबिलाइजर में आपका लैब्रोसॉल सर्फेक्टेंट हो गया, प्रिजर्वेटिव में आपका बेंजल कोलियम क्लोराइड हो गया, मेथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट में आपका क्या हो गया, ठीक है, टोकोफिरॉल हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट हो गया, ह्यूमेटेड में आपका ग्लिसरीन सॉर्बिटॉल हो गया, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट एक्सिपिएंट्स हैं जो कि एनडीडीएस में यूज किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल। अब यहाँ पे हम मटेरियल समझे थे, अब यहाँ पे व्हीकल समझेंगे। तो डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल आर डाइल्यूएंट्स और द फिल्टर्स यूज या डिजाइंड टू मेकअप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट। सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि एक टैबलेट है, अगर 500 एमजी की टैबलेट है तो उसमें डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट यूज होता है, जिससे कि उसको थोड़ा सा बल्की बनाया जा सके। तो वही सब जो बल्क अमाउंट में, जिसको मतलब टैबलेट को बल्क बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल बोलते हैं। दे आर इन एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल और डायरेक्टली कंप्रेसिबल जो हमारा मटेरियल है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। जो भी आपके एक्सिपिएंट्स हैं, जिसको हम कंप्रेस करके उसको छोटे साइज में कर देते हैं, उसके यार ड्रग के साथ में चिपका देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंप्रेसिबल व्हीकल या डायरेक्ट कंप्रेसिबल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई वेरियस इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं कि सिंपल सा, जो कि किन्हीं दो सर्फेस के बीच में, मतलब लाइक जब वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर के जो बीच का जो सर्फेस टेंशन है, जो इंटरफेसियल सर्फेस टेंशन है, उसको रिड्यूस कर देना और दोनों को आपस में मिला देना, इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो सिंपल सा इमल्सिफाइंग एजेंट आर दोज एजेंट
व्हिच डिक्रीज द इंटरफेशियल सरफेस टेंशन ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब इसके कितने टाइप्स के, तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में आपके कुछ जो वेजिटेबल सोर्स से मिलते हैं वो जैसे अगार हो गया, ट्रगाकंथ हो गया, एनिमल सोर्स हो गया जो कि हमको जानवरों से मिलते हैं, वूल फैट हो गया, जिलेटिन हो गया। सेमी सिंथेटिक में आपका मेथायसोलोज हो गया, सोडियम सीएमसी मतलब कार्बोक्सी मेथायसोलोज हो गया। सिंथेटिक में आपका एनायनिक में जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट हो गया, कैटायनिक में आपका बेंजल कोलियम क्लोराइड हो गया, नॉन आयनिक में आपका ग्लिसराइल ईस्टर हो गया, और इनऑर्गेनिक में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लासिफाई सस्पेंडिंग एजेंट। तो सिंपल सा सस्पेंडिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड इंटरफेसियल सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। कहने का मतलब क्या, सस्पेंडिंग एजेंट आर दोज एजेंट व्हिच डिक्रीज या रिड्यूस द इंटर सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड या टू डाइल्यूएंट इज कॉल्ड सस्पेंडिंग एजेंट। ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। नेचुरल में जैसे आपका जिलेटिन, स्टार्च, आल्जिनेट, कॉलिन, बेंटोनेट हो गया, उसी प्रकार से सेमी सिंथेटिक में आपका हाइड्रोक्सीमेथाइसोलुलोज हो गया, कार्बोक्सीमेथाइसोलुलोज हो गया, सोडियम कार्बोक्सीमेथाइसोलुलोज हो गया। सिंथेटिक में आपका पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया, पॉलीविनाइल पॉली आयोडीन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंडिंग एजेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, टू मेक परफेक्ट। ऑप्टिमाइज आप करेंगे, अपने देखरेख में रखेंगे किसी भी प्रोसीजर को, तभी आप उसको एक परफेक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन इज अ टेक्निक चूजिंग द बेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास डिफरेंट गाइडलाइंस है, डिफरेंट प्रोसीजर है, तो उसमें से हम बेस्ट प्रोसीजर को चुनेंगे जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो डेवलपमेंट है, वो अच्छा हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो। ठीक है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन इज एन एक्ट, प्रोसेस और मेथडोलॉजी ऑफ मेकिंग डिजाइन, सिस्टम और डिसीजन एज फुली परफेक्ट फंक्शनल। जो भी उसका फंक्शनल है उसको प्रकार से हम उसको फॉलोअप करेंगे, और जो भी हमारा ड्रग प्रोडक्ट बनेगा उसको हमारी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी अगर हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के ऊपर चल रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रोपेलेंट यूज इन द एरियो सॉस। मतलब एरियो सॉस में यूज होने वाले प्रोपेलेंट्स को डिफाइन करना है। तो प्रोपेलेंट इज अ गैस, ये क्या है, गैस सच है फ्लोरोक्लोरोकार्बन या फ्लोरोकार्बन हो गया, दैट आर यूज इन द एरोसॉल, जिसका हम यूज करते हैं एरोसॉल्स को बनाने में, टू फोर द कंटेंट आउट ऑफ द कंटेनर। जो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कंटेनर के अंदर जो प्रेजेंट कंटेंट्स हैं, जो भी मटेरियल है, जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट है, उसको फोर्स करते हैं कि वो बाहर आए। कब, आफ्टर द प्रेशराइज करने के बाद। एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विफाइड गैस जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द कंपोजिशन ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का कंपोजिशन आपको बताना है। जिलेटिन हो गया, कलरेंट हो गया, वेटिंग एजेंट हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, ये हमारे क्या है, जो हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं उनके कंपोजिशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोर मटेरियल एंड कोटिंग मटेरियल। कोर मटेरियल क्या है, कोटिंग मटेरियल क्या है। तो कोर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि कोटिंग मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गए, जैसे कोर मटेरियल आर सेंट्रलाइज्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट कुछ है थेरापोटिक एक्शन, जिनका आपका अपना खुद का थेरापोटिक एक्शन होता है। वही जो कोटिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, जो हमारे कोर मटेरियल होता है उसको एनवेलप किया होता है, मतलब उसको चारों तरफ से घेरे होता है या उसके ऊपर कोटिंग की गई होती है। तो कोटिंग मटेरियल आर द एजेंट व्हिच एनवेलप द कोर पार्टिकल एंड सराउंडेड या कवर कंप्लीट द मटेरियल या कोर मटेरियल। अब यहाँ पे देखिए, ये बीच का जो है ये कोर मटेरियल है, इसको चारों तरफ से घेरा गया हुआ, मतलब बॉन्डिंग में रखा गया, वो क्या है, कोटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वहां पे जाकर के जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द स्टैंडर्ड फॉर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। मतलब आपको स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए स्टैंडर्ड आपको बताना है। तो ये शुड भी स्टेराइल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, नॉन पायरोजेनिक होना चाहिए, एंड सिंगल डोज कंटेनर फॉर ईच आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप उसका एक बार यूज कर रहे हैं एक आईवी इंजेक्शन के लिए, तो आप उसको केवल सिंगल टाइम यूज करेंगे। और जो इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए वो आपको टेन सी एफ यू पर 100 ml होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी टू टूल्स यूज इन द रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में जो यूज होने वाले टूल्स हैं आपको केवल दो पूछा गया, मैंने आपको काफी सारे बता दिए, जैसे रिस्क मैट्रिक्स हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, फेलियर मोड हो गया, फेलियर मोड एनालिसिस इफेक्ट हो गया, रिस्क कम्युनिकेशन हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एंड फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, गिव एग्जांपल। सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या है, तो सुपर डिसइंटीग्रेंट आर यूज इन द टैबलेट एंड कैप्सूल
टू इंश्योर द रैपिड ब्रेक डाउन इंटू द प्राइमरी पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई आप ड्रग इंटेक करते हैं तो जब आप आपके स्टमच में जाता है तो वैसे तो पड़ा नहीं, उसको टूटना होता है, उसका डिग्रेडेड होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना होता है, तो वो उसको जो तोड़ता है ड्रग पार्टिकल को इन साइड द स्टमच, उसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जो इसको डिसइंटीग्रेट करता है। अगर वही हम सुपर डिसइंटीग्रेटिंग के बारे में बात करें तो ये ऐसे एजेंट होते हैं कि जो कि रैपिड ब्रेक डाउन करते हैं किसका, प्राइमरी पार्टिकल्स का, व्हिच फैसिलिटिंग द डिजोल्यूशन और रिलीज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो फैसिलिट क्या करते हैं, जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको जल्दी से रिलीज आउट करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, क्रॉस कार्मिलोज हो गया, क्रॉस पोविडॉन हो गया, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट लाल टेस्ट। लाल टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है क्या है, तो लाल टेस्ट का सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए, लिमुलस एमोबोसाइट लाइसेट टेस्ट होता है। इज एन एक्वस स्टेट ऑफ द ब्लड सेल, जिसका जो परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहाँ पे करते हैं, एक्वस स्टेट ऑफ द ब्लड सेल में। क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, इन विट्रो कंडीशन में करते हैं। ऐसे करते हैं यू टू डिटेक्ट द बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन, मतलब जो बैक्टीरिया अगर हमारे इन्फेक्शन हुआ है हमारे बॉडी के अंदर हुआ है, तो हम अपने जो ब्लड के माध्यम से जो बैक्टीरिया का जो इंडोटॉक्सिन है, मतलब उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जो जहर है हमारे बॉडी के अंदर, उसका डिटेक्शन करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, लाल टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मैक्रो गोल्स गिव एनी टू यूजेस। कहने का मतलब क्या है, मैक्रो गोल्स क्या है, उनके दो यूजेस क्या क्या है, तो मैक्रो गोल्स आदि पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब ये क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, व्हिच यूज्ड इन एमोलिएंट इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो इसको एज ए एमोलिएंट के तरीके से यूज किया जाता है। वहीं अगर हम इसको फार्माकोलॉजिकल बारे में समझें तो ये एज ए लैक्जेटिव एजेंट, नॉन एब्जॉर्बेबल ऑस्मेटिक लैक्जेटिव एजेंट के तरीके से यूज किया जाता है, जिसको जो प्रिवेंट करता है डायरेटिक कंडीशंस को, ठीक है ना। आल्सो यूज द सस्पेंडिंग एजेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएशन एजेंट यूज इन द नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोलिबलाइजर। तो सॉल्वेंट और सोलिबलाइजर की आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। तो सॉल्वेंट क्या है, सबसे पहले समझते हैं, सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व ए सोल्यूट रिजल्टिंग इन अ सोल्यूशन, मतलब जो सॉल्वेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो सोल्यूट होता है उसको डिजॉल्व करते हैं, तो हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, हमको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डिजॉल्व द डाइल्यूट या डाइल्यूट अदर सब्सटेंस, कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जिनका हम यूज करते हैं डिजॉल्व करने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए, जो भी सब्सटेंस है उनको, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल सा सॉल्वेंट बोलते हैं। वहीं जो सोल्यूबलाइजर्स क्या होते हैं, सोल्यूबलाइजर्स आर ए ग्रुप ऑफ सर्फेक्टेंट, ये सर्फेक्टेंट होते हैं डैट आर कॉमनली वाटर सोल्यूबल बट have little bit of the oil solubility, लेकिन इनके अंदर थोड़ी बहुत oil solubility भी होती है। Next question क्या है, give quality control test for the packaging material। तो sterility testing करते हैं, ठीक है ना, fragmentation test करते हैं, pH test करते हैं, light absorption test करते हैं, residual on evaporation test करते हैं, penetrability test करते हैं, arsenic testing करते हैं and dye testing करते हैं। Dye testing कैसे करते हैं, simple सा, जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल में आपने पैक कर दिया, पैक करने के बाद उसमें आपने एक डाई डाल दी, अब उसको आपने क्या कहते हैं, पानी में डाल दिया, अगर उसमें लीकेज है तो आप क्या करेंगे, जो डाई होगी उसमें से लीक आउट होगी, आपका पानी का कलर बदल जाएगा, अगर लीकेज नहीं है तो पानी का कलर नहीं बदले, इसी को बोलते हैं डाई टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मतलब वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन कौन सी है, इंटरेक्टिव मेथड हो गया, लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस हो गया, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन मेथड हो गया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड हो गया। तो ये हमारी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। अगर ये आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन टैबलेट कोटिंग एंड इट्स टाइप, मतलब टैबलेट कोटिंग क्या है और उसके कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बताना है। तो टैबलेट कोटिंग इज अ प्रोसेस वेयर कोटिंग मटेरियल अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट टू अचीव डिजायर प्रॉपर्टीज ऑफ द डोसेज फॉर्म ओवर द अनकोटेड वेराइटी। कहने का मतलब क्या है, जो भी फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनाई हुई ड्रग है उसके ऊपर किसी एक ऐसे सब्सटेंस की कोटिंग कर देना जिससे कि आपको डिजायरनेस है, जैसे सस्टेन रिलीज, इंट्री कोटेड, मतलब देर से रिलीज हो, लंबे समय तक रिलीज हो, कड़वी ड्रग है तो उसको शुगर कोटिंग कर दिया आपने, ठीक है ना, उसके अगर आपको लेयर अलग अलग लेयर में बनानी है तो फिल्म कोटिंग आपने कर दिया, तो ये उसको डिजायरेबल, मतलब आपको डिजायरेबल, जैसे अगर कड़वा टेस्ट है तो उसको मास्क करने के लिए शुगर कोटिंग कर देते हैं, तो हमको डिजायरनेस क्या है, उसका मीठापन, उसका कड़वापन दूर करना, तो वही क्या है, एक हमारा क्या है, कोटिंग एजेंट है जो कि उसके मास्क कर देता है उसके जो भी
अनअप्रोप्रिएट जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है या जो भी हमारा डिजायर है उसके लिए हमको जो कोटिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टैबलेट कोटिंग करते हैं। अब टाइप जैसे फिल्म कोटिंग हो गया, शुगर कोटिंग हो गया, एंट्री कोटिंग, सस्टेन कोटिंग, जिलेटिन कोटिंग, ETC टाइप के अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं, टैबलेट कोटिंग एंड इस टाइप होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन क्या है, देखिए बायो स्टेटिस्टिक्स में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो फैक्टोरियल डिजाइन इज अ टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट अलाउ फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेन एंड इंट्रैक्शन इफेक्ट बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा फैक्टोरियल डिजाइन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके दोनों के बीच का जो मतलब रिलेशनशिप क्या है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, इसका है इन्वेस्टिगेशन करना, इज कॉल फैक्टोरियल डिजाइन। एंड वन और मोर आउटकम वेरिएबल, उसके जो वेरिएबल्स होंगे उसके जो आउटकम होंगे एक या एक से अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इफरबेसेंट ग्रेन्यूल्स, मतलब इफरबेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या है। तो इफरबेसेंट ग्रेन्यूल्स आर ए वेरी कॉर्स पाउडर, मतलब ये कॉर्स पाउडर होते हैं थोड़े से मतलब बड़े टाइप में होते हैं, कंटेनिंग द मेडिसिनल एजेंट इन अ ड्रग मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है, ये मेडिसिनल एजेंट को ड्रग मिक्सचर के अंदर कंटेन किए होते हैं, यूजली कंपोज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। जब इसको वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो इसमें एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसका क्या होता है, डिग्रेडेट होता है और CO2 आपका रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट इफरवेशन, जो कि आपको इनो आप बोलते होंगे तो आप देखते हैं इफरवेशन वो निकलते हैं, ठीक है ना, CO2 ही उसको बोलते हैं। व्हाट आर द पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, मतलब पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट क्या है। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट इज अ टू इन्फॉर्म द पेशेंट, मतलब पेशेंट को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिकॉशन एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ दियर प्रिस्क्राइब मेडिसिन। मतलब जो मेडिसिन है फिजिशियन ने उसको जो प्रिस्क्राइब की गई है उसको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस कब लेना है, किस रूट से लेना है, उसके प्रिकॉशंस, उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट, ETC को एक लीफलेट में मतलब एक एज अ एडवर्टाइजमेंट का बात हम कर ले उसको जानकारी देना है पेशेंट को, इज कॉल पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर ओवर ग्लास कंटेनर, मतलब ग्लास कंटेनर के मुकाबले प्लास्टिक कंटेनर के क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला क्या है, प्लास्टिक कंटेनर आर लाइट इन वेट, कहने का मतलब हल्के होते हैं एंड कैन बी रिमोल्डेड, उसको रिमोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार से ग्लास कंटेनर हैवी होते हैं और उसको हम उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वेट होता है वो भी ज़्यादा होता है, और जो प्लास्टिक कंटेनर होता है हाईली ड्यूरेबल होते हैं एंड चीपर देन ग्लास, ठीक है। दो ही बताना था आपको, दोनों अपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द MLRA का फुल फॉर्म क्या है। तो मल्टीपल लीनियर डिग्रीगेशन एनालिसिस क्या है, MLRA इज अ टेक्निक व्हिच एक्सप्रेस मैथमेटिकली इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बताता है क्या दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन बताता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन फोर स्टेप एसोसिएटेड विद द DOE डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में कौन से चार स्टेप्स हैं। पहला क्या है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट अप्लाइंग वेरियस मॉडल्स, मतलब वेरियस मॉडल को यूज करके जो भी डिजाइन होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्टेबल करेंगे, देन क्या करेंगे, इन गैदरिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसके विषय में हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा, जो भी डाटा आपको मिलेगा उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे एंड देन फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो कंक्लूजन रीड एंड रिकमेंडेशन मेड इन इजी अपशॉट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पैट, पैट क्या है, प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी है, यू इज डिफाइंड बाय द USFDA क्या, मैकेनिज्म टू डिजाइन एनालाइज एंड कंट्रोल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कहने का क्या है, जो SOP वगैरह होते हैं, जो प्रोसेस वगैरह होते हैं उसको डिजाइन करना, उसको एनालाइज करना, उसके कंट्रोल करना फार्मास्यूटिकल प्रोसेस को, थ्रू द मेजरमेंट ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर डेट अफेक्ट द क्वालिटी एट्रीब्यूट। ये क्या आपका PAT है, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या है, प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एंटी एडहेरेंस, सिंपल सा एडहेरेंस का मतलब चिपकना, एंटी का मतलब जो चिपकने ना दे, ठीक है। तो एंटी एडहेरेंट एंटी और एंटी स्टिकिंग, मतलब वही जो चिपकने ना दे एजेंट, रिड्यूज और प्रिवेंट द एडहेशन ऑफ द कैप्सूल सेल, मतलब कैप्सूल सेल होते हैं जो आपस में चिपक जाते हैं उनको प्रिवेंट करना, टू द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एंड डिक्रीज द स्टिकिंग ऑफ द कैप्सूल फाइनल फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स है उसमें कैप्सूल चिपके ना, ठीक है, इसके लिए हम एंटी एडहेरेंट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर द ग्रेन्यूल्स, मतलब ग्रेन्यूल्स के लिए कौन कौन से इवैल्यूएशन टेस्ट होंगे, पार्टिकल साइज एंड शेप डिटरमिनेशन, सरफेस एरिया डिटरमिनेशन, डेंसिटी डिटरमिनेशन,
डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन, फ्लो प्रॉपर्टी लाइक एंगल ऑफ रिपोज एंड हॉन्सन रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर द एलेक्जर, मतलब एलेक्जर के लिए कौन कौन से हमारे इवैल्यूएशन टेस्ट हैं। तो लाइट ट्रांसमिटर्स मीटर हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, अल्कोहल कंटेंट हो गया, पीएच मेजरमेंट हो गया, फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब उसका कलर ऑर्डर टेस्ट हो गया, सरफेस अट्रैक्स कंसंट्रेशन हो गया एंड विस्कोसिटी मेजरमेंट हो गया। तो यहाँ पर टोटल मैंने 37 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में गारंटी दे रहा हूँ कि आपके कल के एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। तो फिर एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आप मुझको कमेंट करके बताइए, जैसे मैं 2 नंबर का नहीं बनाता हूँ वीडियो, आप जानते हैं मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब ये बताइए, मैंने पहला वीडियो 2 नंबर के ऊपर बनाया हुआ है, तो अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या मैंने अपने तरफ से पूरा इफर्ट दिया, क्या आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया, क्या मुझे आगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना चाहिए या हमको जो हमारे दूसरे सर हैं उन्हीं के उससे बनवाना चाहिए। ठीक है, ये हमको कमेंट बॉक्स में सेक्शन चाहिए। ठीक है ना, ये मतलब कंपेरेटिव नहीं कह रहा हूँ मैं, बस एक एग्जांपल, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि हाँ आपको कैसा लगा अगर मैं 2 नंबर वाला आपको बताया, क्योंकि मैं जो विश्वास करता हूँ ब्रॉड पे विश्वास करता हूँ, मतलब ज़्यादा पे लंबे, मतलब ज़्यादा मटेरियल पे विश्वास करता हूँ, थोड़े मटेरियल पे नहीं। इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहता है लंबे प्रोडक्ट के ऊपर। छोटे मोटे क्वेश्चन मैं तो चाहूँ अगर मैं AKTU का बन जाऊँ तो 2 नंबर के क्वेश्चन हटा के उसके ऊपर ऑप्शनल डाल दूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया ना, तो सब्सक्राइब करोगे चैनल को, नहीं कमेंट करोगे कि नहीं करोगे, करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। उसी समय में आपके ऊपर एक वीडियो और मिलने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आपको कहाँ जाना चाहिए, इंडस्ट्री क्लिनिकल या अदर कहीं जो भी जहाँ भी होगा, सब कुछ बारे में डिस्कस करेंगे, सबकी सैलरी, सबका क्या आगे का ग्रोथ है, ईडी से सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।